नमस्कार दोस्तों साथियों, आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक और नई जानकारी। राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 2023, इसके जो आवेदन प्रक्रिया है, लाभ है और पात्रता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा विश्वामित्र कामगार कल्याण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो कम से कम आय वर्ग है यानी निम्न आय वर्ग की महिला श्रमिकों, अनुसूचित वर्ग की हस्तशिल्प कलाकार, युवा को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा युवाओं को 5,000 रुपये की सहायता स्वरोजगार के लिए और 30,000 हस्तशिल्प एवं कामगारों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में विश्वकर्मा कामगारों को स्वरोजगार को संचालित करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, साथ ही पारंपरिक कलाकार की कला का संरक्षण होगा और राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में लाभान्वित होने वाले कामगारों की लिस्ट इस प्रकार से: लोहार, हलवाई, सुनार, कुम्हार, महिलाएं और वंचित वर्ग के हस्तशिल्पी, कारीगर, केश कला एसोसिएशन, केश कला कारीगर, माटी कला, टोकरी बनाने वाले, बढ़ई, दर्जी और मोची इत्यादि शामिल होंगे। दोस्तों, राजस्थान में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 2023-24 की मुख्य विशेषता है, उनमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा 10 फरवरी 2023 को बजट भाषण में की गई थी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत दर्जी, नाई, हलवाई, बढ़ई और जो कम आय वाली महिला है, साथ में माटी कला एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर वे अपने लिए स्वरोजगार से संबंधित उपकरण जैसे किट, सिलाई मशीन इत्यादि सामान खरीद सकेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों तथा कामगारों को अपने उत्पादों की बिक्री तथा उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता और दी जाएगी। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो आपको क्या क्या चाहिए होंगे। तो उनमें सबसे प्रमुख है आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आपका जन आधार से अपडेट होना चाहिए, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और साथियों, दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, ये फॉर्म आप अपनी SSO ID से भर सकते हो, आप स्वयं सिटीजन SSO ID से भर सकते हो या फिर अपने नज़दीक ई मित्र कियोस्क पर जाके ये फॉर्म आप फिल करवा सकते हो। इसके लिए आपको SSO में यूटिलिटी में जाके विश्वकर्मा टाइप करना होगा दोस्तों, उसके बाद ये होम पेज आपके सामने होगा जिसको आप फिल करके अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों, यदि इसके लिए और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।